नमस्ते बर्गर। नमस्ते पिज्जा, आप कैसे हैं? आज मुझे लाखों लोगों ने खाया, वे मुझे खाकर खिल उठते हैं क्योंकि मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। मुझे बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है। मुझ पर टमाटर सॉस, चीज़ और सब्जियां डालकर मैं और भी स्वादिष्ट बन जाता हूँ। मैं दुनिया की हर कोने में पाया जाता हूँ। मैं इटली में पहली बार बनाया गया था, हालांकि मैं नॉर्वे में सबसे लोकप्रिय हूँ। यह बहुत अच्छी बात है। आज लाखों लोगों ने मुझे भी खाया। मुझसे देखकर सबसे मुंह में पानी आता है। मैं ज्यादातर बर्गर, ब्रेड और सलाद से बना हूँ। मेरे बीच में चिकन चिकन या मटन पीटीस पैटीस हैं और शाकाहारी के लिए लिए सब्जियों के पैटीस बनाया जाता है। मेयोनीज, टमाटर और प्याज के उपयोगी से मेरी काया पलट जाती है। मेरा आविष्कार जर्मनी के एक शहर हैमबर्गो में हुए था। जैसे मुझे मेरे नाम मिला। वाह, मुझे लगा कि यह आविष्कार अमेरिका में था। यह अच्छी बात है कि हम लोगों की पसंदीदा भोजन है, लेकिन क्या हम स्वस्थ हैं? हम दोनी शरीर की लिए अस्वस्थ है, परंतु हमें देखकर लोगों की आंख चमकती आता है। हम स्वस्थ ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग में बनाया जाते हैं। दुख की बात है कि हम ज़्यादातर लोग अस्वस्थ बनाते हैं। हाँ, हम में ज़्यादा तेल, नमक और चीज मिलाकर अस्वस्थ बनाया गया है। काश कोई वैज्ञानिक हमें स्वस्थ और स्वादिष्ट बना सके हैं। अच्छा बर्गर, आपने मेरा यूट्यूब और ट्विच चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं, आपके पास यूट्यूब और ट्विच चैनल है? मुझे नहीं पता है। मैं दोनों का लिंक चैट में भेजूंगा। दोनों को सब्सक्राइब कर, वरना आपको पिज़्ज़ा या बर्गर को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, मैं लाइक भी मैं लाइक भी करूँगा।
शुक्रिया।